हेलो एवरीबडी, वेलकम वेलकम बैक टू श्वेताज वर्ल्ड। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप लोग इन्जॉय कर रहे हो विंटर सीजन। सो नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, तो आज मैं आप सबको लेकर आई हूँ ब्लू बर्ड लेक, जो कि है हिसार में, जो कि एक और एक बहुत ही बड़ी फेमस प्लेस है। वैसे तो आप सब लोग जानते हो हिसार में बहुत कुछ घूमने के लिए नहीं है, बट ये एक प्लेस है जो आप डेफिनेटली एक टाइम विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पुण्य भी मिलने वाला है, यहाँ पे आपको शांति भी मिलने वाली, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आएगी सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो कमिंग बैक टू द ब्लू बर्ड लेक, तो ब्लू बर्ड लेक जो है वो आपको मिलेगा दिल्ली से सिरसा जाने वाले हाईवे पे। यहाँ पे आपको मछलियाँ दिखने वाली हैं। बेसिकली यहाँ पे फिश फार्मिंग होती है। यहाँ पे छोटे छोटे टापू बनाए गए हैं जहाँ पे आप लोग आ सकते हो, बोटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको फिश फार्मिंग के साथ ही साथ आप उनको फीड भी करा सकते हो मछलियों को, तो यहाँ पे आपको उनका दाना भी मिल जाएगा। वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये 10 रुपये में आपको पूरी बाल्टी भर मिलता है, एग्जैक्टली बाल्टी भर मिलता है। और अगर आप इन मछलियों को देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर हर तरह की मछली आपको दिखने वाली है। आप थोड़ा सा डालो और एकदम जस्ट आपके पास, मतलब आप वहां खड़े हो और एकदम पास में आप डालो, वहां इतनी मछलियां होती हैं जो कि अनबिलीवेबल होती हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाती हूं कितनी मछलियां होती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा दाना डालिए और आपको यहाँ पे पुण्य मिलने वाला है। बिकॉज किसी भी लोगों की हेल्प करना, कुछ भी करने से आपको डेफिनेटली पुण्य मिलता है। और आप यहाँ पे आके खरीद सकते हो, आप घर से भी आटा लेकर आ सकते हो। मैंने लोगों को यहाँ पे आटा लाके भी डालते हुए देखा है। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि यहाँ पे आप और क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो। आप आराम से वहाँ बोटिंग के लिए आई थिंक कुछ 50 to 100 रुपीज़ है, मुझे याद नहीं है, बट इतना ही है। और आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको छोटे छोटे टापू मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सीनरी देखने को मिलेगा, चिड़िया होंगे, यहाँ पे आप बैठ के चाय पी सकते हो। ये एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ पे आने पे कोई चार्जेस नहीं है, सबसे बेस्ट पार्ट ये है। बाकी आप ये झील में, लेक में आप पूरा घूम सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा ये टापू है जो आप देख रहे हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल टापू है, जिसको एक कह सकते हैं हम नेचुरल चीज़ों से बनाई गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे बैम्बू से पेड़ों को काट के छोटे छोटे चेयर्स बनाए हैं, मतलब सब कुछ नेचुरल है यहाँ पे। आपको सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आप पार्टी कर सकते हो। हाँ जी, आप यहाँ पे पार्टी भी कर सकते हो। 1000 रुपीज़ में आप इसको बुक करा सकते हो, आप घर से खाना ला सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे भी आपको उस चीज़ की सुविधा है। यहाँ पे आप लाइटिंग के अलग से पैसे और केटरिंग का अलग से पैसे दे सकते हो, यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो। बट यहाँ पे पार्टी करने में आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है, बिकॉज इतना अच्छा व्यू आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लू बर्ड लेक। आप ज़रूर आओ, मछलियों को फीड कराओ और यहाँ से आप शांति लेकर जाओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस प्लेस तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आता है सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम गोना बी बैक विद मोर अमेजिंग वीडियोस। तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।